गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फिट एंड फाइन एट योर होम. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 6 एंड चैप्टर नेम इज वी केयर फॉर एनिमल्स. हमें केयर करनी है किसकी? एनिमल्स की. जैसे हम खुद की और अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स की केयर करते हैं, वैसे ही हमें एनिमल्स की भी केयर करनी चाहिए. अब वो किस टाइप के एनिमल होंगे, उनकी केयर किस तरीके से होगी, वो सारे वेज हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स और फार्म्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. हम अपने घर पे और अपने फार्म जो होते हैं वहाँ कई प्रकार के एनिमल्स को रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कई तरह यूजफुल होते हैं, कई तरीके से यूजफुल होते हैं. यूजफुल मीन्स उपयोगी. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं या बुलाते हैं. डोमेस्टिक मीन्स पालतू. वी गेट वुल फ्रॉम शिप. हमें ऊन जो है वो शिप से मिलती है. अगर हम अपने फार्म पे या अपने घर पे शिप को रखते हैं तो वो हमारे लिए क्या ऐसे यूजफुल है, क्योंकि वो हमें वुल देती है. वुल मीन्स ऊन. हनी फ्रॉम हनी बीज. शहद जो है, हनी मीन्स शहद, तो हनी जो है वो हमें हनी बीज से मिलता है. मिल्क फ्रॉम काउ बेफेलोस एंड गोट. मिल्क, दूध हमें किस किस से मिलता है? काउ बेफेलो एंड गोट, इनसे हमें दूध मिलता है. एग्स फ्रॉम हैन एंड डक. एग्स, अंडे हमें किससे मिलते हैं? हैन और डक से. कैमल, हॉर्स एंड एलिफेंट आर यूज्ड फॉर पुलिंग ए कार्ट एंड कैरिंग लॉड्स. अब कई लोग क्या करते हैं अपने घरों में या फार्म में, किन को रखते हैं? कैमल, ऊँट को रखते हैं, हॉर्स, घोड़े को, और एलिफेंट को. तो ये क्या यूजफुल है हमारे लिए, कैसे यूजफुल है ये? कि एक तो ये किसी भी चीज़ को खींचने में एज ए गाड़ी हम काम लेते हैं. कैसे? कि किसी भी भारी सामान को अगर एक जगह से इधर उधर ले जाना हो तो ये हमारे लिए उस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका है एनिमल्स नीड फूड. अब जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनिमल को भी खाने की ज़रूरत होती है. लाइक अस एनिमल्स also need food to live, grow and stay healthy. तो हमारी तरह ही एनिमल्स को भी जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. नीड मीन्स आवश्यकता. सम एनिमल्स वर्क फ्रॉम अस. कुछ एनिमल जो है वो हमारे लिए काम भी करते हैं. दे नीड एनर्जी टू वर्क. तो उस काम को करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? खाने से. दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? खाने से, जो वो खाते हैं. दे ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक. और उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है पीने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट मीन्स अलग अलग. तो अलग अलग जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. और कैसे? अलग अलग तरीके से. अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह का खाना अलग अलग तरीके से खाते हैं. जैसे कि काउस, गोट, डियर एंड हॉर्स ईट प्लांट्स. काउ है, गोट है, डियर है और हॉर्स है, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं. पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनको खाते हैं. तो ये ग्रीन ग्रास भी खाते हैं और ड्राई ग्रास भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर. इसलिए इन्हें प्लांट ईटर के नाम से भी जाना जाता है. पौधे खाने वाले जो जानवर हैं ना, उन नाम से भी इनको जाना जाता है. लायंस, टाइगर, लेपर्ड्स एंड ईगल्स ईट फ्लैश. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. लायन है, टाइगर है और लेपर्ड है, ईगल है, ऐसे जो एनिमल है वो क्या खाते हैं? फ्लैश, मांस खाते हैं. फ्लैश मीन्स मांस. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर. इन्हें मांस खाने वाले एनिमल भी कहा जाता है, यानी मांसाहारी.
वी कीप पेट एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड कैट्स इन आवर होम। कुछ एनिमल जो हैं उन्हें हम पेट एनिमल बना के भी हमारे घर में रखते हैं, जैसे कि रैबिट खरगोश और कैट्स बिल्ली। वी गिव देम फूड, हम उन्हें खाना भी देते हैं। वी कैन टच देम एंड प्ले विद देम, दे डू नॉट हार्म अस। तो ये जो हैं इन्हें हम टच कर सकते हैं और इनके साथ हम खेल भी सकते हैं, जैसे कि रैबिट और कैट है, इनके साथ हम खेल भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हार्म मीन्स नुकसान, ये हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयक एंड टाइगर आर हार्मफुल, पर इनकी बजाय, जैसे कि वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड मीन्स जंगली, तो जंगली जो जानवर है जैसे कि लॉयन और टाइगर, ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। कैसे? वी डू नॉट गो नियर देम, हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए और ना हम इनके पास जाते हैं। और ट्राई टू टच देम, और ना हमें इनको इन्हें छूने की कोशिश करना चाहिए, इनको टच करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? वाई दे माइट बाइट और हार्म अस, क्यों? क्योंकि ये हमें काट भी सकते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लुक एट द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, अब नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें कुछ एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, तो आपको राइट टिक करना है उस एनिमल के आगे जो हार्मलेस है, और क्रॉस लगाना है उसके आगे जो आपके लिए हार्मफुल है या डेंजर है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द फूड दे लाइक टू ईट, और उस फूड का नाम भी लिखना है जो वो खाते हैं। तो उसके लिए आप जो नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है उसे यूज़ करोगे। तो ये जो आपका टॉपिक है अगला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।